हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप सभी? यस बेटा, अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। टुडे अवर चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू ऑल्सो लर्न दैट carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि फूड सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और हमने साथ में कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़े थे, जैसे कि carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। And these components of food are necessary for our body and are called nutrients. और हम इन components को क्या बोलते हैं? Nutrients. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from the plants or animals that eat plants. Thus the humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, फूड उनकी रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट्स तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बट जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते। एंड उनको ये भोजन किससे मिलते हैं? प्लांट्स से और एनिमल्स से। सो ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली, या तो वो डायरेक्ट प्लांट्स के, जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स से डायरेक्टली लेते हैं, या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है? हमने यहाँ पे एनिमल्स की बात की है। एनिमल्स क्या खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे। और हम अगर एनिमल्स का सेवन कर रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, या अगर हम बात करें, हम दूध लेते हैं, दूध पीते हैं, तो वो पहले प्लांट्स को खाते हैं, वो वहाँ से फूड अपनी एनर्जी रिक्वायर कर कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हमें वो मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हम खाते हैं। तो इनडायरेक्टली भी हम प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals, and the raw materials are present in their surrounding. Plants अकेले ही ऐसे organisms हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको इसके लिए क्या चाहिए? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, और कुछ रॉ मटेरियल है जो अपनी सराउंडिंग से वो लेते हैं। एंड द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। यस स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि हमें फूड क्या प्रोवाइड करता है। फूड हमें क्या करते हैं? दे बिल्ड, दे हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द बॉडीज, लाइक टू ग्रो एंड रिपेयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है। And nutrition is a mode of taking food by the organism and its utilization by the body. और यहाँ पर हमारी डिफाइन आ जाती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक जरिया है भोजन लेने का, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भोजन लेना और फिर उस भोजन को यूटिलाइज करना। किसके द्वारा? हमारी अपनी बॉडी के द्वारा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पर प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, उसको यूटिलाइज करके और वर्क करने के लिए, उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, अपना स्वयं का पालन पोषण करना, नरिशमेंट करना। एंड देयर फॉर द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स, मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स एंड प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। जो एनिमल्स हैं, या हम अगर बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं? अपना रेडीमेड फूड लेते हैं। किससे?
प्लांट्स से, हमने पीछे पढ़ा ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड दे आर नोन एज अ हेटेरियोट्रॉफ्स. ओके, एंड द न्यूट्रिशन इज हेटेरियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all the parts of the plant or only in the certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surrounding, how do they transport them to the food factories of the plants. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो food factories हैं, कि ये हमारे जो plants हैं, ये जो food factories हैं कहाँ पर located हैं. Whether the food is made in all the parts of the plant, क्या plants के हर एक part से हमें food मिलता है, और only in the certain parts या कुछ ही भाग में हमें food मिलता है. How do plants obtain the raw material from the surrounding, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कुछ raw material वो अपने surrounding से लेते हैं. Okay, और वो यहाँ पर हमने ये line पढ़ी थी, raw material are present their surrounding. How do plants obtain, ये कैसे लेते हैं, how do they transport them from to the food factories of the plants. Okay, ये सभी जो हमारे questions यहाँ पर arise हो रहे हैं वो हमारे इस chapter में आगे हम सभी find out करेंगे. Photosynthesis, सबसे पहला उन्होंने बोला कि photosynthesis, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में फूड अपने आप बनता कैसे है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन द प्लांट्स अकर इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर. लास्ट क्वेश्चन था कि रॉ मटेरियल कैसे आता है, कहते लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज. पहला क्वेश्चन, कौन सी फूड फैक्ट्रीज हैं, लीव्स हैं. And the synthesis of food in the plants occur in leaves and all the raw material must reach there. तो फिर जो raw material surrounding से मिलना है तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, leaves पर. Water and the minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. तो सबसे पहले हमारे सभी क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होते हैं कुछ, कि लीव्स जो हैं हमारी फूड फैक्ट्रीज हैं, और जो रॉ मटेरियल है जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ कहाँ पहुँचेगा, हमारी फूड फैक्ट्री लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. यस स्टूडेंट्स, फोकस ऑन योर दिस फिगर, दिस इज द लीव, द फूड फैक्ट्री. ओके, अगर हम यहाँ से अगर इसको ध्यान से देखेंगे, फ्लैट करके देखेंगे, तो हमारी ये स्ट्रक्चर हमें अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई देती है. ओके, इसमें हमें क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर जो प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसमें. यू कैन सी सम डॉट्स आर देयर विच शो क्लोरोफिल. एंड देन इसके लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, सम गार्ड सेल्स, कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, और वो हमें उसे हम कहेंगे स्ट्रोमेटा, और वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस में हमारी हेल्प करते हैं. हमने अभी अभी पीछे पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स, दीज आर द टाइनी पोर्स, यू कैन सी दीज आर द पोर्स. ओके, एंड वेरी क्लियरली शोइंग टू यू ये पोर कैसी है, ये पोर बच्चे यहाँ पर ये जो पोर दिखाई दी है दे रही है वो ये वाली पोर, द स्टोमेटल ओपनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग. These are the guard cells. You can see guard cells. Just ये जो view है कि हमने ये जो diagram है आप देखेंगे, leaf ऐसे है, leaf की जो ये वाली boundary होती है इसकी microscope से ये diagram आपको दिखाई गई है, और उसके बाद इस portion की कि इसको clarify किया है इससे. These are the guard cells. These are the chloroplasts which are present. Okay. बिकॉज़ जो लीफ है वो हमारी फूड फैक्ट्री है, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का होना पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ अ स्टोमेटिक ओपनिंग. और सी, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव, रूट्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स
लीव्स तक पहुँचेंगे बाय द वेजल्स. ये आपको हायर क्लास में करवाएंगे कि कौन से वेजल्स जो हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जाइलम, जाइलम हेल्प करता है विच रन द लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट एंड द स्टेम द ब्रांचेज एंड द लीव्स. प्लांट के तो सभी पार्ट्स को चाहिए वाटर, तो वो जाइलम वेजल्स के थ्रू एक पाइप लाइक जो हमारे जैसे हमारे घरों में होता है ना एक पाइप लाइन, हम अपनी वाटर टैंक से अपने किचन में या सभी कहीं पे प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही ये जो वेजल्स हैं पाइप की तरह हैं रूट में स्टेम में ब्रांचेस में और लेव्स में क्या करते हैं सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स एंड दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ और द पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. तो ये कॉन्टीन्यू पैसेज बना लेते हैं जिसके थ्रू वो ये न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंच जाते हैं. यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. अब चैप्टर 11 में करेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. क्लोरोफिल की क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस आई, क्या फंक्शन हुआ कि ये सनलाइट को ट्रैप करने में, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो दैट मीन्स लाइट, सिंथेसिस दैट मीन्स कंबाइन करना. इसी कारण इसका क्या नेम बना बच्चे, फोटोसिंथेसिस. अगर हम दूसरे वर्ड में कहें खुद होती है तो हम लिख सकते हैं ऑटो फोटोसिंथेसिस. अगर हमने यहाँ पर बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्सचेंज हो रही है तो हम, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो ये केमिकल रिएक्शन भी हुई तो हम इसको कहेंगे कीमो ऑटो फोटोसिंथेसिस. बट टिल नाउ आप फोटोसिंथेसिस ही लर्न करेंगे, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये कीमो ऑटो क्यों बोल दिया. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस स्टूडेंट्स द क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है, क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब फोटोसिंथेसिस होगी तो हमारे एंड प्रोडक्ट बनेंगे विच आर वेरी एसेंशियल, कार्बोहाइड्रेट्स ओके एंड ऑक्सीजन. दिस इज अ फूड फॉर द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज रिलीज इन टू द एयर विच इज यूज बाय अस. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. Okay, beta, aaj tak itna hi. Hum next video mein next part ko start karenge. Okay, students, have a nice day.